बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा वीडियो लेक्चर फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव वाइज है। पहले हमने तीन पैसिव वाइज पढ़े प्रेजेंट के, फिर तीन पढ़े पास्ट के, फ्यूचर के जस्ट दो होते हैं। इस तरह हमारे पैसिव वाइज टोटल आठ हैं। तो आज का लेक्चर शुरू करने से पहले मैं आपको अपने YouTube पर चैनल के बारे में बताना चाहूँगा। YouTube पर मेरे चैनल का नाम इंग्लिश विद राना एहसान, इस नाम से मेरा चैनल है। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड सब्सक्राइब इट, इसे यानी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल ऑप्शन को सेलेक्ट करें। अभी तक अगर आपने इसको अपने दोस्तों को या अपने फ्रेंड्स को इस YouTube का जो लिंक है वो शेयर नहीं किया तो उसे जल्दी से शेयर कर दें। अगर आप लोग बेटा इससे बेनिफिट हासिल कर रहे हैं तो उनको भी भरपूर इससे बेनिफिट जो है ना होना चाहिए, ताकि उनको भी एक्टिवल पैसिव वाइज आ जाए। जी स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक है हमारा फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिव वाइज टेंस, यानी फेल मुस्तकबिल मुतलिक मजहूर। अब हम इसकी उर्दू में पहचान पढ़ते हैं। पहचान, उर्दू फिक्रे के आखिर में जाएगा, जाएगी, जाएंगे वगैरह के अल्फाज आते हैं, यानी हमें उर्दू में इसकी पहचान भी मिलती है। फिक्रे के लास्ट में जाएगा, जाएगी, जाएंगे वगैरह के अल्फाज आएंगे। नीस गो वेंट गोन वाले वर्ब्स का पैसिव वॉइस नहीं होता। जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि इन जुमलों में कोई कहीं नहीं जा रहा होता पैसिव वॉइस में, जस्ट बात को घुमा बनाकर बयान किया जाता है। एग्जांपल आपके सामने है, चाय अली से पी जाएगी। तो बच्चों इस जुमले में कोई कहीं भी नहीं जा रहा, अली चाय पिएगा ये सीधी बात ही, चाय अली से पी जाएगी ये पैसिव हो गया। तो इस वजह से लिखा गया कि अगर हकीकत में फिक्रे में वो वेंट कौन आ जाए तो उन जुमलों का या उन वर्ब्स का पैसिव वाइज हरगिज नहीं बनता। अगर कोई बनाता है तो वो ग्रामर के रूप से वो जुमले अगर तसव्वुर किए जाएंगे। अब हम पढ़ते हैं इसका स्ट्रक्चर, इसका फार्मूला, यानी एक जुमले को बनाने का तरीका क्या होता है। नंबर वन, सिंपल यानी सादा। ऑब्जेक्ट विल शैल बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट, सादा। नंबर टू, नेगेटिव। ऑब्जेक्ट विल शैल नॉट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट, ये हुआ हमारा मनफी। नंबर थ्री, इंट्रोगेटिव। क्वेश्चन वर्ड्स, क्वेश्चन वर्ड्स को आमतौर पर क्वेश्चन फैमिली भी कहा जाता है। विल शैल ऑब्जेक्ट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट, बस सवाल, ये हमारा हुआ सवालिया। नंबर फोर, नेगेटिव इंट्रोगेटिव, यानी इसमें सवाल भी है नहीं भी है, सवालिया मनफी। क्वेश्चन वर्ड्स, विल शैल ऑब्जेक्ट नॉट बी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय सब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, सवालिया मनफी। अब हमारे पास इसमें हेल्पिंग वर्ब आ रही है तीन, विल शैल और बी। हम इसकी तमीज सीखते हैं कि सेंटेंसेस में इसका इस्तेमाल हमें कैसे करना है। तो हर जुमले में दो हेल्पिंग वर्ब यूज होंगे, विल बी या शैल बी। अब विल का इस्तेमाल और शैल का कैसे करना है हमें, ताकि दिनों नंबर वन आई और वी के साथ शैल इस्तेमाल करते हैं। सिर्फ दो ऐसे हमारे पास प्रोनाउन्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं या सब्जेक्ट्स कह लें इनको, आई और वी, जस्ट इन्हीं के साथ शैल यूज करेंगे। नंबर टू, जबकि बाकी तमाम सिंगुलर और प्लूरल नाउन्स के साथ विल इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा बाकी जितने भी हमारे पास आएंगे नाउन्स या सब्जेक्ट्स होंगे वो सिंगुलर होंगे या प्लूरल, तो बच्चों सबके साथ हमने इस्तेमाल करना है
विल। मगर एक कंडीशन भी है, ये भी मैंने बताया था लास्ट अपने वीडियो लेक्चर्स में, फ्यूचर के टेंसेस में, अगर फ्यूचर के जुमले में वर्ड जरूर आ जाए तो फिर आप जरूर का अंग्रेजी तर्जमा नहीं करते बल्कि विल को शैल में और शैल को विल में तब्दील कर देते हैं। जी अब हम पढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स। नेक्स्ट हमारे पास आगे बेटा जी एग्जांपल्स, अब हम पढ़ते हैं इसकी एग्जांपल्स। नंबर वन सिंपल की, ये मैच कराची में खेला जाएगा। अब इस फिगर में हमारे पास सब्जेक्ट नहीं है, ये जुमला वर्ब का खत्म होगा। दिस मैच विल बी प्लेड इन कराची। नंबर टू नेगेटिव, दरख्तों के पत्ते हमसे नहीं जलाए जाएंगे। द लीव्स ऑफ ट्रीज विल नॉट बी बर्न बाय अस, ये हमारा हुआ नेगेटिव। नंबर थ्री इंटरोगेटिव, कर्जा कब अदा किया जाएगा। When will the loan be repaid? बस हमारा लास्ट पे आ गया। नंबर फोर नेगेटिव इंट्रोगेटिव, मरीज की नब्ज डॉक्टर से क्यों नहीं देखी जाएगी। इसमें सब्जेक्ट भी मौजूद है। Why will the patient's pulse not be felt by the doctor? लास्ट पे बस हमारा आ गया। जी स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक फ्यूचर इंडेफिनेट पैसिवाइज भी कंप्लीट हुआ। आज हमारे 7 पैसिवाइज टेंसेस में कंप्लीट हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं बेटा कि आप लोगों ने इससे खूब इस्तेमाल यानी फ़ायदा हासिल किया होगा। उन्हीं बच्चों को मुकम्मल समझ आएगी जो वीडियोज़ को पूरा वॉच करते हैं। अगर आप इसको जब करके देखें आगे पीछे करके देखेंगे तो इसमें आपको फ़ायदा नहीं होगा। पूरी वीडियो को वॉच करें, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। और अपने फिर से मैं अमर संगेरा वाणू से अबाउट माय यूट्यूब चैनल कि अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया आप सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को कज़न्स को लिंक शेयर करें ताकि वो भी इससे इतना ही फ़ायदा हासिल कर सकें। स्टूडेंट्स दुआओं में याद रखिएगा। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।